हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी सिंह। मैं आप लोग के साथ एक नई रेसिपी के साथ आई हूं, जो कि आलू की रेसिपी है और ये नॉर्मल चार इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। इसमें मीडियम साइज के आलू लगते हैं और स्वाद अनुसार नमक, सरसों तेल और मिर्ची पाउडर। आइए मैं इसकी रेसिपी आपको बताती हूँ। छील के गोल शेप में काट लिया है, जैसे चिप्स बनता उस शेप में, और इसे पतला पतला काटे। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये तवे पे कम तेल में बनती है। आप इसे, और दूसरी खास बात है, इसे नवरात्रा में आप बना के खा सकते हैं। और ये सिंधा नमक है, और अगर आप लोग नवरात्रा में नहीं है तो आप इसे चाट मसाला, जलजीरा पाउडर या काला नमक के साथ आप शाम के स्नैक्स में इसे बना के खा सकते हैं। और बहुत ही इजी वे में ये 2 मिनट में लगभग बन जाता है। आइए मैं इसे बना के दिखाती हूँ। सरसों तेल को ऐसे तवा पे डालें अच्छे से, और इसे अच्छे से चारों तरफ फैला दें। और ये जब गर्म हो जाए तब ये कटा हुआ आलू का पीस सारा उस पे डाल दें। मैं इसे डाल के दिखाती हूँ आप लोग को, और इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएं ताकि ये अच्छे से पक जाए। और ये चॉप किया हुआ आलू मैं इसे तवे पे डालूंगी कुछ इस तरीके से। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालने दें, नहीं तो ये आप लोग पे पड़ेगा। इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आराम से पका ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसके ऊपर रेड चिली पाउडर कुछ इस तरीके से डाल दीजिए। और सिंधा नमक, ऐसे बुलबुला दीजिए इस पे। थोड़ा देर इसे पकने दें, फिर इस तरीके से कुछ इसे पलट दें। एक दो बार पलटने के बाद ये बहुत ही अच्छे से पक जाता है। रेडी है, इसे शाम के स्नैक्स में टमाटो केचप के साथ भी आप लोग खा सकते हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी लगती है खाने में और बहुत टेस्टी होती है। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।